दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप लोग जानते हैं 2005 से पहले सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी, जिसमें एक फिक्स पेंशन मिलती थी और कोई भी उनको अपनी जेब से अतिरिक्त जो है अंशदान नहीं करना पड़ता था। लेकिन 2005 के बाद सरकार ने इसको बंद कर दिया और NPS लागू कर दिया। NPS का मतलब न्यू पेंशन स्कीम। इसमें यह था कि इसमें जो है कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% अंशदान करना होता है और सरकार की तरफ से इसमें 14% का अंशदान मिलता है। पूरा पैसा जा कर के स्टॉक मार्केट में लगता है, शेयर मार्केट में लगता है। कितनी पेंशन मिलेगी ये भी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है NPS में, और यही कारण है कि कर्मचारी NPS की जगह OPS की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने कई राज्यों में जहां पर उनका शासन था वहां पर ये अनाउंस किया कि हम लागू करेंगे, और राजस्थान जैसे कई राज्यों में NPS हटा करके OPS दोबारा से लागू की गई। 2024 का चुनाव भी NPS को लेकर के OPS को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो कुल मिलाकर के सरकार के ऊपर बड़ा दबाव था NPS को लेकर के, और इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। आप लोग जानते होंगे पहले कमेटी की सिफारिशों के आधार पर और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपने जो भी इनके एक्सपर्ट उनसे राय लेते हुए अब NPS की जगह UPS पेंशन स्कीम को आज कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। मोदी सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में इसको जो है अप्रूव कर दिया है। अब कर्मचारियों को UPS मिलेगी। UPS का मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम। कर्मचारी के पास अब दो विकल्प हैं, चाहे तो कर्मचारी NPS ले सकता है या चाहे तो कर्मचारी UPS ले सकता है। ठीक है, आपको बता दें NPS में 10% अपनी सैलरी का डिडक्ट करना वाना होता है और पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। लेकिन ये जो UPS है, इस UPS में कर्मचारी का 10% अंशदान तो सेम रहेगा, वो कर्मचारी को देना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो है वो करीब 18% अंशदान देगी, यानी 14 के जगह 18 गवर्नमेंट देगी। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को समझना है। क्या कंडीशंस हैं, कैसे पेंशन मिलेगी, अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है उसके लिए क्या नियम है, अगर कोई पेंशन भोगी है उसकी डेथ हो जाती है उसकी फैमिली के लिए कितनी पेंशन मिलेगी, ये सारी चीज़ें इसमें निकल के आई हैं। और ये पेंशन स्कीम यानी UPS कब लागू होगी, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बिल्कुल अभी की ये लेटेस्ट अपडेट है, तो सभी के साथ इस न्यूज़ को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुल मिलाकर के ये कैबिनेट मीटिंग की तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये सभी नेता यहाँ पर उपस्थित थे और इसकी सूचना जो है अश्विनी वैष्णव, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया को दिया। और सभी मीडिया हाउसेस में आपको न्यूज़ मिल जाएगी, चाहे आप TV खोल लीजिए या चाहे किसी भी चैनल की वेबसाइट खोल लीजिए, हर जगह न्यूज आ चुकी है। यहाँ पर देखिए जी बिजनेस हिंदी की तरफ से अपडेट दिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन का ऐलान, यानी रिटायरमेंट के बाद आपके हाथ में कितना आएगा पैसा। डेट देखेंगे तो 24 अगस्त 2024 8:02 की ये अपडेट है। इसी के साथ ही ABP लाइव की तरफ से देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया है कि कर्मचारियों की तरफ से एश्योर्ड अमाउंट की मांग की जा रही थी पेंशन के रूप में, और UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये ABP की तरफ से भी अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए TV9 भारतवर्ष की तरफ से भी अपडेट है कि 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन, OPS NPS नहीं, मोदी सरकार लाई UPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। सभी समाचार पत्रों में अपडेट 100% ऑथेंटिक अपडेट है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि UPS किस तरीके से ये काम करेगी। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष ओल्ड स्कीम
पेंशन स्कीम पर राजनीति करती है, हम कर्मचारियों को लेकर गंभीर हैं, इसलिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है। 25 साल तक नौकरी करने वाले हर कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। तो ये विपक्ष का दबाव ही है जिसके कारण इनको ये चीज़ें लागू करनी पड़ रही हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष का जब दबाव ना होता तो कभी चीज़ें नहीं आती, और अगर आपको वास्तव में लागू करना था तो ओपीएस ही कर देते। ओपीएस क्यों नहीं किया, यूपीएस नई पेंशन स्कीम में ये यूपीएस क्यों लेकर के आए। तो पॉलिटिक्स कोई भी हो, पॉलिटिक्स सब करते हैं, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सब मौके का फायदा सभी उठाते हैं। खैर हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पर, बात करते हैं यूपीएस को लेकर के। देखिए यहाँ दिया गया है कि केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है, इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस होगा। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों देखे जाएंगे, उसमें जितना भी बेसिक पे रहेगा उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी कि अगर आपने सरकारी नौकरी में 25 साल सर्विस कंप्लीट कर ली है तो बेसिक पे का आपका 50% आपको पेंशन के रूप में मिल जाएगा। यानी यहाँ पर ये बात सुनिश्चित कर दी गई है कि एक फिक्स पेंशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर आपकी नौकरी 25 साल है। लेकिन अगर आपकी नौकरी 25 साल से कम है उस केस में फिर आपको 50% पेंशन नहीं मिलेगी। तो कितनी पेंशन मिलेगी, तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि एक प्रपोर्शन देखा जाएगा, रेशियो देखा जाएगा, जितनी सर्विस होगी उस हिसाब से यहाँ पर पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर मिनिमम पेंशन की बात करते हो तो वो यहाँ पर 15,000 बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर किसी पेंशन भोगी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। अगर कोई 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी कि अगर 10 साल आपने सेवा करी है तो आपको केवल 10,000 रुपये पेंशन ही मिलेगी। यानी 50% पेंशन मिलने के लिए कम से कम आपकी जो मतलब सर्विस है वो 25 साल होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को इस स्कीम से लाभ मिलेगा। कर्मचारियों जो है एनपीएस और यूपीएस में किसी भी एक को चुनने का विकल्प ले सकते हैं। यानी आप चाहें तो एनपीएस ले लीजिए या चाहे तो आप यूपीएस ले लीजिए, जो आपको अच्छा हो वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं ये स्कीम कब से लागू होगी, क्या आज से ही लागू हो गई, तो केवल अभी ये आज कैबिनेट से अप्रूवल मिला है इसको, ठीक है। अभी इसको लागू होने में वक्त लगेगा, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये स्कीम आपकी 1 अप्रैल 2025 में लागू की जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपके पास समय यहाँ पर है और आराम से आप लोग इसमें विचार कर सकते हैं। अभी तो केवल इसकी पॉजिटिव बातें ही बताई जा रही हैं, नेगेटिव बातें अभी कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जैसे इसकी बाकी बारीकियाँ निकल के आएंगी तब और भी चीज़ें क्लियर होंगी। आप लोग जानते होंगे कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन में महंगाई भत्ता भी मिलता था, तो यहाँ पर बताया गया कि यूपीएस में भी महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा, ठीक है। वहीं रिटायरमेंट पर जब आप रिटायर होंगे तो ग्रेचुटी जो आपको मिलेगी वो तो मिलेगी। इसके अलावा लिखा है हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन यानी वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़ करके रिटायरमेंट पर मिलेगा। यानी अलग से ये लोग कैलकुलेशन करेंगे कि हर 6 महीने की सेवा पर जो है 10वां हिस्सा उसका जोड़ निकालेंगे और उसको जो अलग से रिटायरमेंट के टाइम कर्मचारी को देंगे। अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को, ठीक है, 60% पेंशन मिलेगी। 60% का मतलब है जैसे सपोज कर कोई कर्मचारी है उसको 1,00,000 पेंशन वर्तमान में मिल रही है और उसकी डेथ हो गई तो फैमिली को यानी 60% जो पेंशन है वो यानी 60,000 रुपये मिलेगी उसके बाद भी कर्मचारी की मतलब पेंशन भोगी की डेथ के बाद। अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही समझने की बात है कि अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है तो उसको मात्र 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी जैसा कि यहाँ पर बताया गया है।
ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी की नौकरी 40 साल में लगती है, 45 साल में लगती है, तो ऐसे कर्मचारियों को फिर ये पूरी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कुछ टर्म्स कंडीशंस इसमें रखी गई हैं, यानी सेम टू सेम ओपीएस तो नहीं है, लेकिन ओपीएस से मिलती जुलती काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा। उन सभी पर भी ये लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हो चुके, यानी जो रिटायर हो चुके उनको भी इसका लाभ मिलेगा, या अगर रिटायर होने वाले हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा। सरकार इसके लिए बाकायदा एरियर का भुगतान करेगी। ये सपोज करो कोई रिटायर हो चुका है 2 साल पहले, ठीक है, तो कह रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा और जितना भी होगा वो एरियर के रूप में सरकार भुगतान कर देगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। आज जब यहाँ पर इसके अनाउंस किया गया तो कर्मचारी संगठनों ने काफ़ी खुशी जताई और वो लोग इससे खुश थे। अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इस यूपीएस स्कीम में गवर्नमेंट 18.5% अंशदान देगी और कर्मचारी को एनपीएस की तरह सेम 10% ही अंशदान देना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्मचारियों के पास ऑप्शन है, चाहे वो एनपीएस में जा सकते हैं या यूपीएस में जा सकते हैं। एनपीएस में जाएंगे तो 10% और 14% रहेगा, है ना, गवर्नमेंट का 14% रहता है और यूपीएस में 10% और गवर्नमेंट का 18.5% रहेगा। और यूपीएस में जो एक फिक्स पेंशन मिलेगी 50% मिनिमम है अगर आपकी सेवा 25 साल हो जाती है तो, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो अब आप खुद डिसाइड करिएगा इसमें आपको किस स्कीम में जाना। ये योजना जैसा मैंने बताया 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी, तो अभी इसमें समय है। अभी इसकी केवल पॉजिटिव पॉइंट ही निकल के आए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स निकल के नहीं आए हैं। जैसे कोई नेगेटिव्स निकल के आएंगे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूपीएस यानी जो आज ये पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है, ये आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूंगा और आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।